ट्रांसफॉर्मर का लोड बैलेंस करने गए विद्युत विभाग के अवर अभियंता के साथ की अभद्रता। गंगोह क्षेत्र के गांव कुंडा कलां की घटना। आपको बता दें कि दूधला बिजली घर पर तैनात विद्युत विभाग के अवर अभियंता भगवान सहाय ने कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि वह लाइन स्टाफ के साथ गांव कुंडा कलां में ट्रांसफॉर्मर का लोड बैलेंस करने के लिए गए हुए थे। आरोप है कि जैसे ही लाइन स्टाफ ने अपना काम आरंभ किया तो वहां पहुंचे कई ग्रामीणों ने स्टाफ के साथ गाली गलौच व अभद्र व्यवहार किया। आरोप यह भी है कि आरोपियों ने पिछले वाले पोल पर चढ़कर लाइन के तार काट दिए तथा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की। पुलिस ने अवर अभियंता की तहरीर पर आरोपियों राशिद, गुलफान, भूरा, हसरत आदि के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि दबंगों द्वारा 4 माह पहले भी नसीम भूरा, इकराम जावेद आदि ने लाइन काट ली थी, जिसकी शिकायत एक्शन नकुर को की गई थी, लेकिन दबंग है कि मानने का नाम नहीं ले रहे और सरकारी ट्रांसफॉर्मर पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाए हुए है। अब देखना यह है कि गिरफ्तारी कब तक होती है।